अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ किसी जॉब से रिलेटेड तो नहीं, बट इसके अंदर आप जितने भी कैंडिडेट्स स्टूडेंट हैं जो कि मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर जॉब से रिलेटेड जिनसे वीडियो अपलोड करता हूँ, तो अब इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को इंटरनेशनली जौन सा है वो जितनी भी स्कॉलरशिप्स आती हैं तो उनसे रिलेटेड जौन सा है वो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो उससे पहले जौन सा है आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो फर्दर देखने से पहले कि आप एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। एंड अदर रिक्वेस्ट ये भी है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो कैंडिडेट ये जो स्कॉलरशिप्स हैं ये जौन सा है वो हॉलैंड की जानिब से अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर आप बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जौन सा है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट उससे पहले आप लोग यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के अंदर नहीं मतलब होना चाहिए, मतलब आपका जो कंट्री है वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के अंदर ना आता हो या उस लिस्ट के अंदर जौन सा है वो ना आता हो, ठीक है। तो इसका क्या क्राइटेरिया है कंप्लीट जो सा है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने इनका जो ब्रोशर है या आप कह लें कि पंफलेट या जो भी इनकी जो अनाउंसमेंट है वो मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। यहाँ पर देख लें कि क्लियरली उन्होंने मेंशन किया गया है कि जो सा है आप जो सा आउटसाइड द यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के अंदर के अलावा जो सा है आप अगर रहते हैं आउटसाइड होने चाहिए, मतलब इसके अंदर आप लोग नहीं होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं आगे चल के आपको इसके बारे में फर्दर गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर द हॉलैंड स्कॉलरशिप, इसके अंदर सबसे पहले तकरीबन जो क्वेश्चन है कि हम हॉलैंड में क्यों स्टडी करें, और भी दूसरे भी कंट्रीज हैं उसके अंदर हम क्यों ना स्टडी करें, तो हॉलैंड में ही क्यों। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि जी इसके आंसर में कि तकरीबन 2100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो सा हैं वो हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फिर एक मरतबा पीछे जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने इंटर किया हुआ है तो आप लोग जो सा है वो बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और ये बैचलर वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त जो सा है वीडियो होने वाली है। फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जी गेट हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वैल्यू ऑफ योर मनी, मतलब कि आप फ्री के अंदर जो सा है इसके बिहाफ के ऊपर आपको जो सा है वो स्टिपमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो कोई इतनी वो टेंशन वाली की बात नहीं कि जी हम बाहर के मुल्क जा रहे हैं तो अच्छी खासी आपको जो सा है वो इसके बिहाफ पे अमाउंट भी पे की जाएगी नैदरलैंड की जो सा है वो गवर्नमेंट की जानिब से। आप जो सा है इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मेंशन किया गया है जी बी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट है कि आप अपने स्किल्स को जो वैल्यूएबल बना सकते हैं, ठीक है, और अपनी लाइफ को मोर सक्सेसफुल बना सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये उन्होंने बताया कि ये अपनी ज़िंदगी को आप जो सा है वो एक हैप्पीनेस कंट्री जो सा हैप्पीएस्ट कंट्री के अंदर जो सा है वो, और हैप्पीएस्ट कंट्री के साथ साथ जो सा है सेफ कंट्री है जो उसके अंदर आप जो सा है वो रहने का आपको मौका मिलेगा, वहाँ पर आपको स्टडी का मौका मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हमारे पास है इंस्ट्रक्शंस वो यहाँ पर उन्होंने वही मेंशन किया गया हुआ है कि आप जो सा है ईए जो सा है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है उसके अंदर ये मैं बताया गया है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका जो यू आर अप्लाइंग फॉर फुल टाइम बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम्स एट वन ऑफ द, तो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो मेंशन है कि जी आपने बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पार्टिसिपिंग मतलब करना चाहते हैं तो आप जो सा है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप बैचलर के लिए हाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो इंटर में वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब जो मार्क्स हों वो 60 से प्लस होने चाहिए, ठीक है। अबव जो सा है वो 60% से मार्क्स होंगे तो आप इन जॉब्स के लिए इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या है, यू यू मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ योर चॉइस, मतलब आपको जितनी भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी इंस्टीट्यूशन की जानिब से, और इसी के साथ यू डू नॉट हैव अ डिग्री फॉर्म एंड एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो इन नैदरलैंड। अब देन यहाँ पर बात कर लेते हैं जी स्कॉलरशिप अमाउंट की, यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर ऑफ योर स्टडीज जो है वो आपको 5,000 जो सा है वो नैदरलैंड की जो रुपीस है करेंसी है, आई थिंक यूरो है इनकी करेंसी, तो वो आपको पे की जाएंगे। अब जैसे आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 4 ईयर तक मतलब अराउंड 20,000 जो सा है वो यूरो जो से इनके नैदरलैंड के जो हैं करेंसी जो भी है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी करेंसी को क्या कहते हैं, तो वो अमाउंट जो है वो आपको दी जाएगी। अच्छा अब ये जो एक इसके 5,000 जो है पाकिस्तानी करेंसी है, मगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ जो कि तकरीबन 10 लाख से अबव अमाउंट बनती है कुछ, या 10 लाख के आसपास ही जो है वो अमाउंट बनती है, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आप फॉरेन कंट्री में जाके एक आपके पास इंटरनेशनल डिग्री होगी, जब आप वहाँ से पढ़कर आओगे पाकिस्तान तो आपको अच्छी जगह पर जो है वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिला करेंगी। तो अब नेक्स्ट जो है अप्लाई कि जी आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, तो वो जो है मैं यहाँ पर खोल ली है, ठीक है इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर फर्स्टली वही क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया गया है कि जी अगर आप बैचलर और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नैदरलैंड के लिए, तो आप जो है यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जो है हु वांट टू देयर बैचलर्स आउटसाइड्स ऑन इस लिस्ट के अंदर जो है वो आप लोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अबाउट जो है अबाउट स्कॉलरशिप के अंदर यहाँ पर उन्होंने फर्स्टली मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में ही वही 5,000 जो है यूरो प्रोवाइड किए जाएंगे, नॉट फुली ट्यूशन। अब यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि देखें प्लीज़ नोट डैट दिस इज़ नॉट अ फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप, ठीक है यहाँ पर आपको फुल ट्यूशन स्कॉलरशिप नहीं जो है वो मिलेगी, मतलब जो है फर्स्ट ईयर की अमाउंट जैसे मैंने पिछले ही बताया कि 1 साल की मिलेगी, फिर दूसरे साल अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो तीसरे साल के लिए, तो चौथे साल अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको 2 साल तक जो है ये मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो सा एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है वो मेंशन है कि आपकी जो नेशनलिटी है वो नॉन ईईए होनी चाहिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं फुल टाइम बैचलर्स के लिए मास्टर्स के लिए, और तमाम जितना भी क्राइटेरिया है आप इसको रीड आउट यहाँ पर कर लीजिएगा। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो सा है आपको यूनिवर्सिटीज़ की जो सा है वो लिंक भी जो सा है वो प्रोवाइड की गई है, जिसके थ्रू जो सा है वो आप लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सॉरी स्कॉलरशिप के लिए। दरअसल मुझे वीडियो बनाते वक्त वो आदत है उसकी जॉब्स की, तो फिर वो बार बार जो सा है वो मेरे मुंह से स्कॉलरशिप की जगह जॉब्स का जो सा है वो वर्ड निकल रहा है। तो यहाँ पर जो सा है आप रिसर्च की यूनिवर्सिटीज़ में और जो सा है साइंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऊपर जो आपके सामने यूनिवर्सिटीज़ की लिंक अभी आ रही हैं, ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं ये सारी रिसर्च की हैं, एंड सेकंड नंबर पर जितनी भी हैं सारी साइंस की हैं, ठीक है। तो अब इतने मुश्किल मुश्किल नाम हैं इनके, तो मुझसे तो रीड नहीं होगा, खैर आप लोग जो है इनको रीड आउट कर लीजिए। यहाँ पर आप मैंने एक जो है वो यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन करके आप लोगों के साथ जो है वो शेयर मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जिस यूनिवर्सिटी का लिंक ओपन किया गया है वहाँ डायरेक्टली देख लें, हॉलैंड स्कॉलरशिप इनकम स्टूडेंट, ठीक है इनकमिंग स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर तमाम क्राइटेरिया जो सा मेंशन है, जहाँ पर डेडलाइन भी मेंशन की गई है, उसका टारगेट बताया गया है कि जी ये जो कंपनी यूनिवर्सिटी है वो बैचलर जो सा है वो करवा रही है, आपके तमाम जितना भी क्राइटेरिया वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर जो सा आइलेट्स और दूसरे जो एजुकेशनल टेस्ट होते हैं उनकी कौन सा रिक्वायरमेंट जो सा है वो नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो सा है वो रखी गई है कि जी आप जो सा है आपका आइलेट्स का कोर्स जो सा है वो होना लाजमी है। तो यहाँ पर आप जो सा है वो अच्छे से आके रीड आउट क्राइटेरिया को रीड आउट कर लीजिएगा, रीड आउट करने के बाद ये एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो सा है आप एप्लीकेशन के एप्लीकेशन फॉर एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो सा है
यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे, जिसके ऊपर जो सा है आपको ये जितने भी स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को जो सा है डेडलाइन से पहले पहले जो सा है वो कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके यहाँ पर जो सा है वो अपलोड करना है, ठीक है। देन जो सा है आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए आसानी से जो सा है वो अप्लाई कर लेंगे। तो ये थी गाइज मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसी किस्म की स्कॉलरशिप्स की वीडियो चाहिए हो तो मुझे ज़रूर जो सा है मोटिवेट कर दीजिएगा, तो मैं इस किस्म की जो सा है वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।